हेलो गाइस, सो माय नेम इज विक्रम एंड आई एम फ्रॉम डिजिटल इको। तो मेरे पास काफी ये क्वेश्चन आया है कि हमारा बिजनेस काफी इफेक्ट हुआ है कोविड में, काफी प्रॉब्लम आई है बिजनेसेस में, तो कैसे इसे ग्रो करा जाए, हमारे बिजनेस को ऑनलाइन कैसे बेसिकली ग्रो करा जाए। तो इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया है सो दैट आपको हेल्प हो आपके बिजनेस को ग्रो करने में, कैसे आप ग्रो कर सकते हो। तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, तो बेसिकली आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें अपना बिजनेस, मान लीजिए कोई भी हमारा बिजनेस है, लाइक क्लीनिंग सर्विस है, तो हम गूगल पे हमारा कस्टमर क्या लिखता है, सर्विस। ओके, तो ऐसे ये लिखता है तो काफी सारे हमारे पास रिजल्ट आते हैं। ठीक है, जैसे कोई इतने सारे हमारे पास रिजल्ट आए हैं तो हम कस्टमर किसी पे भी क्लिक कर देता है। अब मान लीजिए इस पेज पे आया वो, ठीक है, उसने देखा यहाँ पे कि हाँ ठीक है, ये किचन क्लीनिंग है, सोफा क्लीनिंग है, होम क्लीनिंग है। कोई कोई कस्टमर बुक कर लेता है यहीं से, ठीक है, डायरेक्टली बुक कर लेता है, और कोई कोई कस्टमर क्या करता है, वो बुक नहीं कर पाता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे अगर उसने बुक नहीं करा है, लेकिन ये जो वेबसाइट है ये ट्रैक करता है सारे कस्टमर्स को, ठीक है। अब जो भी कस्टमर्स इनके पास आते हैं वो ट्रैक हो जाते हैं। तो बेसिकली क्या करना होता है यहाँ पे कि एक फेसबुक का पिक्सल कोड होता है जो कि अप्लाई होता है वेबसाइट में, गूगल कोड और फेसबुक का पिक्सल कोड दोनों अप्लाई होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कस्टमर हमारे पेज पे आ गया उसको फिर कुछ दिनों बाद फेसबुक पे हम लोग को एड चलाना होता है। ठीक है, फेसबुक में हम लोग जैसे ही एड चलाएंगे तो हम लोग एक कैंपेन चला देंगे, रीमार्केटिंग नाम होता है उसका। तो वो हम जैसे ही चलाएंगे तो आपके जो भी कस्टमर्स हैं जो आपकी वेबसाइट पे विजिट करे हैं उनको एड शो होगा उनके फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आपके बिजनेस का। ठीक है, जो भी क्लीनिंग सर्विस का अगर मान लीजिए आपका बिजनेस है और वो आपकी वेबसाइट पे आया तो उनको एड्स दिखने लग जाएगा बेसिकली। अब एड दिखने से क्या होगा, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप अमेजोन में कोई शू देखते हैं या मिंत्रा में कोई शू देखते हैं तो आपको कुछ दिनों बाद दिखता होगा कि फेसबुक पे आपके और इंस्टाग्राम में सेम प्रोडक्ट दिखता है आपको। तो वही होता है जो कि फेसबुक रीमार्केटिंग होता है। तो यहाँ से आपके कस्टमर ज्यादा कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छा वे है। सबसे पहले आप गूगल मार्केटिंग चलाइए और उसके बाद आप उसी ऑडियंस को जो आपकी वेबसाइट पे आया है, वेब विजिटर्स को, उनको आप रीमार्केट करिए, बार बार अपना ऐड दिखाइए ताकि वो आपसे कन्वर्ट हो जाए और आपसे वो कांटेक्ट कर ले, आपकी वेबसाइट पे वो पहुंचे और आपकी वेबसाइट पे जो भी कॉल टू एक्शंस है उसको हिट कर जाए, जिससे आपका बिजनेस ग्रो होने में हेल्प होगा। ये काफी अच्छी टेक्निक है, आप इसको चाहें तो ट्राई कर सकते हैं और किसी भी अच्छी एजेंसी से आप कनेक्ट हो सकते हैं।